हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये एम्पलीफायर से ही रिलेटेड है। आज हम बहुत से प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ गेन्स पढ़ने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के जो धारा लाभ है, वोल्टेज लाभ है, प्रतिरोध लाभ है, शक्ति लाभ है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ और प्रतिरोध लाभ का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर से रिलेटेड, और उसमें हमें बहुत सारे जो गेन्स होते हैं वो हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो देखते हैं क्या है करंट गेन, वोल्टेज गेन, रेसिस्टेंस गेन्स एंड पावर गेन। सो फर्स्ट इज करंट गेन, धारा लाभ। धारा लाभ को एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहा जाता है, गेन को एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहा जाता है, प्रवर्धन गुणांक। अब होता क्या है कि जैसे हम सीई मोड में अभी पढ़ रहे हैं, सीई मोड में हमें जो करंट गेन चाहिए, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, निर्गत धारा और निवेशी धारा का जो अनुपात है उसे हम धारा लाभ कहते हैं। तो इस तरह से करंट गेन में आउटपुट करंट और इनपुट करंट, इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है करंट गेन या धारा लाभ। जैसे हम इनपुट सिग्नल में उस सिग्नल को अप्लाई करते हैं जिसे हमें एम्पलीफाई करना होता है, जिसका हमें प्रवर्धन करना होता है, जिसकी इंटेंसिटी लो होती है, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में जब कन्वर्ट करना होता है तो जो लो सिग्नल होता है उसे हम ट्रांजिस्टर के इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं, और जो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल जो प्राप्त होता है वो आउटपुट सर्किट में प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो आउटपुट सर्किट में जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है वो एक एम्पलीफाइड सिग्नल होता है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ चुका होता है। तो इस तरह से जो हमारा आउटपुट करंट होगा, जैसे हमने कॉमन एमिटर मोड की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए हमने ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, और कॉमन एमिटर मोड में ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में दिस इज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक है। इस तरह से एमिटर में फ्लो होने वाला करंट एमिटर करंट, बेस में फ्लो होने वाला करंट बेस करंट एंड कलेक्टर में फ्लो होने वाला करंट कलेक्टर करंट, ये हमारा इनपुट सर्किट कहलाता है, और ये जो हमारा है ये आउटपुट सर्किट कहलाता है। इनपुट सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई करना होता है उसे हम इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं, और जो आउटपुट मिलता है वो हमें आउटपुट सर्किट में प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये हमारा आईवी जो है वो इनपुट करंट है और आईसी जो है वो आपका आउटपुट करंट है। तो इस तरह से अगर हम करंट गेन की बात करते हैं तो करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है बीटा डीसी एंड दूसरा होता है आपका बीटा एसी। इस तरह से बीटा डीसी जब हम आउटपुट करंट और इनपुट करंट की बात करते हैं, आउटपुट करंट इज डिनोटेड बाय आईसी एंड इनपुट करंट इज डिनोटेड बाय आईबी, और इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है बीटा डीसी, दिस्त धारा लाभ। अब हम यदि बीटा एसी की बात करें तो बीटा एसी अल्टरनेटिंग करंट के जो हम सिग्नल अप्लाई करते हैं वो सिग्नल होता है इनपुट सिग्नल, और इनपुट सिग्नल हमारा एसी सिग्नल होता है, जिसके कारण जो इनपुट करंट है वो वैरी होता है, उसमें परिवर्तन होता है, साथ ही साथ जो आउटपुट करंट हमें प्राप्त होता है उसमें भी वेरिएशन हमें मिलते हैं, उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से चेंज इन आउटपुट करंट एंड चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट निर्गत धारा में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को प्रत्यावर्ती धारा लाभ कहते हैं, इसे बीटा एसी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे हमने लिखा हुआ था, ये हमने एक ट्रांजिस्टर लिया हुआ है कॉमन एमिटर मोड में ही, और यहाँ हमने ये आउटपुट करंट आईसी और ये इनपुट करंट आईबी एंड दिस वन इज एमिटर करंट आईई। तो जब स्टार्टिंग में हम किसी सिग्नल को अप्लाई नहीं करते हैं, जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना होता है, जब हम उस सिग्नल को यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं तब बेस में भी करंट फ्लो होते रहता है इस बाइसिंग बैटरी के थ्रू, एमिटर में भी करंट फ्लो होता है और कलेक्टर में भी करंट फ्लो होता है। तो जब करंट में इनपुट करंट और आउटपुट करंट में डायरेक्ट करंट प्रोवाइड किया जाए या डायरेक्ट वोल्टेज से बाइसिंग दी जाती है, तो जो आउटपुट करंट होता है और जो आउटपुट इनपुट करंट होता है, आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है बीटा डीसी, मतलब दिस्त धारा लाभ। और इस तरह से यदि
कलेक्टर करंट में यानी कि आउटपुट करंट में यदि कोई चेंजेस हो, क्योंकि अगर हम बेस करंट में चेंजेस करते हैं तो जो आउटपुट करंट है वो भी अपने आप चेंज होने लगता है, वो भी वैरी होने लगता है। तो बेस करंट में चेंज और कलेक्टर करंट में चेंज, इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है बीटा एसी प्रत्यावर्ती धारा लाभ। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। तो इस तरह से कॉमन एमिटर मोड में अगर हम धारा लाभ की बात करें तो उसे हम बीटा से भी शो करते हैं, बीटा इक्वल्स टू डेल आई सी अपॉन में डेल आई बी, क्योंकि जिस सिग्नल को हम अप्लाई करते हैं इनपुट सर्किट पे वो हमारा एसी सिग्नल होता है, जिसके कारण बेस करंट एंड कलेक्टर करंट दोनों की जो वैल्यू होती है ये वेरी होने लगती है, चेंज होने लगती है, और इसीलिए इसे बीटा कहा जाता है। तो बीटा इक्वल्स टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी से भी हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि रेसिस्टेंस गेन है, प्रतिरोध गुणांक है। जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर में मान लेते जो इनपुट सर्किट है हमने कॉमन एमिटर मोड ही लिया हुआ है, और अभी मैंने आपको ये कहा कि ये सर्किट हमारा कहलाता है इनपुट सर्किट। तो इनपुट सर्किट का जो रेसिस्टेंस है अगर हम उसे डिनोट करें आर आई से, और आउटपुट सर्किट का जो रेसिस्टेंस है अगर हम उसे डिनोट करें आर ओ से, आर आउटपुट एंड आर इनपुट। तो जो हमें रेसिस्टेंस गेन मिलेगा, रेसिस्टेंस गेन, प्रतिरोध लाभ, जैसे हमने यहां पे देखा आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है बीटा ए सी। इसी तरह से आउटपुट रेसिस्टेंस एंड इनपुट रेसिस्टेंस इन दोनों का रेशियो कहलाता है रेसिस्टेंस गेन, और इसे हम ए आर से डिनोट करते हैं, आउटपुट रेसिस्टेंस एंड इनपुट रेसिस्टेंस। निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध का अनुपात प्रतिरोध लाभ कहलाता है, इसे हम ए आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा बन जाता है रेसिस्टेंस गेन, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें जो थर्ड कैलकुलेट करना है वो है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन या वोल्टता लाभ। अभी जैसे हमने रेसिस्टेंस गेन निकाला है, रेसिस्टेंस गेन से यानी कि प्रतिरोध लाभ निकालने के लिए हमने निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध लिया, उसी तरह से जब हमें धारा लाभ निकालना था, करंट गेन निकालना था, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, सेम एज वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इज डिनोटेड बाय एबी, एम्पलीफाइड वोल्टेज गेन, विच इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज एंड चेंज। सो दिस इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। तो इस तरह से चेंज इन आउटपुट वोल्टेज को यदि हम वी ओ से डिनोट करें और चेंज इन इनपुट वोल्टेज को यदि हम वी आई से डिनोट करें, तो आउटपुट सर्किट में जो हमें वोल्टेज मिलता है वो कलेक्टर एमिटर के कारण मिलता है, और जो इनपुट सर्किट में हमें वोल्टेज मिलता है वो बेस और एमिटर के कारण मिलता है। तो इस तरह से जो V आउटपुट होगा, ये जो V आउटपुट हमें मिलता है, ये VCE, चेंज इन VCE इज नोन एज आउटपुट वोल्टेज, एंड VI इनपुट वोल्टेज इज डिनोटेड बाय चेंज इन VBE, बेस एमिटर वोल्टेज। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं AV, AV इक्वल्स टू चेंज इन VCE अपॉन चेंज इन VBE। निर्गत वोल्टता में परिवर्तन और निवेशी वोल्टता में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टता लाभ या वोल्टेज लाभ कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज। सो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड चेंज इन इनपुट वोल्टेज दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वोल्टेज गेन कहलाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ले लीजिए आप इसे फोर, दिस इज इक्वेशन फोर। बट we know according to ohm's law v equals to i into r, ये हम जानते हैं कि v जो होता है ओम के नियम से i r के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें, vce की अगर हम बात करते हैं, तो vce इक्वल्स टू होगा, ये हमारा आउटपुट सर्किट में जो वोल्टेज है एमिटर और कलेक्टर के बीच का, ये कहलाता है आउटपुट वोल्टेज।
तो इस तरह से V को हमने BCE ले लिया, तो I क्या होगा हमारा आउटपुट करंट एंड R इज डिनोटेड बाय आउटपुट रेसिस्टेंस। देखिए ये हमने आउटपुट वोल्टेज लिया हुआ है, निर्गत वोल्टता ली है, तो निर्गत धारा भी लेना पड़ेगा और निर्गत धारा में जो प्रतिरोध हमने लगाया हुआ है निर्गत सर्किट मतलब जो हमारा आउटपुट सर्किट है उस आउटपुट सर्किट में हमने जो रेसिस्टर लगाया हुआ उसका रेसिस्टेंस हमने लिया है आर ओ। और इस तरह से अगर हम इसे लिखे चेंज इन वी सी ई तो ये होगा हमारे पास चेंज इन आई सी इंटू आर ओ। सिमिलरली चेंज इन वी बी ई एंड दिस इज डिनोटेड बाई डेल आई बी इंटू आर आई। आर आई क्या है इनपुट रेसिस्टेंस है और आई बी क्या है इनपुट करंट है। तो वी बी ई जो हमने लिया हुआ है ये वी बी ई ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट करंट है और ये इनपुट रेसिस्टेंस है। तो इस तरह से चेंज इन वी बी ई इक्वल्स टू चेंज इन बेस करंट इंटू इनपुट रेसिस्टेंस। वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन फोर में और इस तरह से ए वी जो होगा ये हमें मिलेगा वी सी ई की वैल्यू अभी हमने निकाली है डेल आई सी इंटू आर ओ और वी बी ई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है डेल आई बी अपॉन में आर आई और अभी आपने देखा है डेल आई सी अपॉन डेल आई बी दिस इज बीटा ए सी। बीटा ए सी मतलब प्रत्यावर्ती धारा लाभ जिसे हम डिनोट करते हैं बीटा ए सी सी। इस पूरे की वैल्यू क्या है बीटा ए सी एंड आर ओ अपॉन में आर आई आउटपुट रेसिस्टेंस एंड इनपुट रेसिस्टेंस इन दोनों का जो रेशियो है इज डिनोटेड बाई ए आर प्रतिरोध लाभ। तो इस तरह से ए बी इक्वल्स टू हमें मिल जाता है बीटा ए सी इंटू ए आर वेयर बीटा ए सी इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट गेन एंड ए आर इज नोन एज एम्पलीफाइड रेसिस्टेंस गेन प्रतिरोध लाभ और ये हमारा है प्रत्यावर्ती धारा लाभ और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये कहलाता है वोल्टेज गेन वोल्टता लाभ। इक्वेशन दे देते हैं हम इसे फाइव। चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट पावर गेन। पावर गेन इट मीन्स शक्ति लाभ। अब बात करते हैं पावर गेन की। सो फोर्थ पॉइंट इज पावर गेन शक्ति लाभ। शक्ति लाभ देखिए इससे पहले हम जानते हैं P इक्वल्स टू वी आई ये रिलेशन हमें मालूम है एंड वी नो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। P इक्वल्स टू V इंटू आई हम जानते हैं। अगर हम यहाँ पे V की जगह पे आई आर पुट कर दें तो हमें P इक्वल्स टू मिल जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। बी की जगह पे हमने क्या कर दिया आई आर रखा आई इंटू आई आई का स्क्वायर इंटू आर। तो इस तरह से पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। जैसे अब तक हम कैलकुलेट करते आए हैं जितने भी हमने लाभ अभी तक निकाले हैं जितने भी हमने गेन अभी तक कैलकुलेट किए हैं सब में हमने आउटपुट अपॉन में इनपुट किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी हमें वही चीजें करनी है। पावर गेन इज डिनोटेड बाई ए पी एम्पलीफाइड पावर गेन एंड विच इज इक्वल्स टू चेंज इन आउटपुट पावर पी ओ एंड चेंज इन इनपुट पावर पी आई। पी ओ इज चेंज इन आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कहने का मतलब निर्गत शक्ति में परिवर्तन। चेंज इन आउटपुट पावर इट मीन्स आउटपुट पावर निर्गत शक्ति और निर्गत शक्ति में परिवर्तन। उसी प्रकार चेंज इन इनपुट पावर एंड द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इज नोन एज पावर गेन एपी। एपी इक्वल्स टू डेल पीओ अपॉन डेल पी आई। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन की हेल्प से आउटपुट पावर निकाले पीओ तो पीओ क्या होगा पीओ अगर आउटपुट पावर है तो आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेसिस्टेंस। तो आउटपुट करंट हमारे पास होता है क्या आईसी कॉमन एमिटर मोड में हमने PO लिया है। PO हमारे पास अगर आउटपुट पावर है तो I की जगह पे हम लेंगे आउटपुट करंट इज डिनोटेड बाय IC और R की जगह पे हम क्या ले लेंगे RO दैट इज आउटपुट रेसिस्टेंस। अगर हम इसमें चेंज निकालते हैं चेंज इन आउटपुट पावर सो चेंज इन आउटपुट करंट स्क्वायर
इनटू आउटपुट रेसिस्टेंस, इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया है। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये हमें पता है। P अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो आउटपुट सर्किट में जो करंट फ्लो होगा हम उस करंट को लेंगे, और आउटपुट सर्किट में जो रेसिस्टेंस होगा हम उस रेसिस्टेंस को यहाँ पे लेंगे। तो आउटपुट सर्किट का जो करंट है, आउटपुट करंट दैट इज आई सी, यहाँ पे आई का स्क्वायर है, इट मीन्स आई सी स्क्वायर, एंड आर इज डिनोटेड बाई आर ओ, आउटपुट रेसिस्टेंस। तो इस तरह से चेंज इन पी ओ इक्वल्स टू हमारे पास आ गया डेल आई सी का स्क्वायर इंटू आर ओ। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे निकालें डेल पी आई, चेंज इन इनपुट पावर, तो ये हमारे पास होगा इनपुट करंट इज डिनोटेड बाई आई बी, ये आधार धारा, ये क्या है हमारा निवेशी धारा, इनपुट करंट है, और इसमें चेंज और इसका स्क्वायर इनटू आर आई इज इनपुट रेसिस्टेंस। चलिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इस तरह से हमें मिलेगा एपी इक्वल्स टू डेल पी ओ, आउटपुट पावर में चेंज जो हमने निकाला है वो डेल आई सी स्क्वायर इंटू आर ओ अपॉन डेल आई बी स्क्वायर इंटू आर आई। और यहाँ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए पी इक्वल्स टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी होल स्क्वायर इंटू आर ओ अपॉन आर आई। इस तरह से डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है, करंट गेन, जिसे हम डिनोट करते हैं बीटा ए सी से, तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा ए सी, या इसे और क्या लिखेंगे एपी एम्पलीफाइड पावर गेन इक्वल्स टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी इज डिनोटेड बाई बीटा ए सी, एंड इसका स्क्वायर है तो हमने भी यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा दिया, एंड आर ओ अपॉन आर आई इज डिनोटेड बाई ए आर एम्पलीफाइड रेसिस्टेंस गेन, और ये इक्वेशन बन जाता है 6। तो इस तरह से हमारे पास करंट गेन, रेसिस्टेंस गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन का हमने इक्वेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो इसी से आते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने देखा है। तो इस तरह से फर्स्ट हमने देखा करंट गेन, करंट गेन जिसे हम कहते हैं धारा लाभ, ये दो तरह से हमने देखा है, एक हमने देखा है बीटा डीसी एंड बीटा एसी। तो बीटा डीसी को हमने लिया था आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट इन कॉमन एमिटर मोड, कॉमन एमिटर मतलब वैलेंस उत्सर्जक परिपथ में ये आउटपुट करंट है और ये इनपुट करंट है, अगर इसमें कोई चेंजेस ना हो तो हम इसे क्या कहते हैं बीटा डीसी कहते हैं, और आईसी अपॉन में आईबी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड बीटा एसी इज चेंज इन आउटपुट करंट एंड चेंज इन इनपुट करंट, आउटपुट करंट में परिवर्तन यानी कि निर्गत धारा में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन, निवेशी धारा या इनपुट करंट जो है वो आईबी है और जो आउटपुट करंट है वो हमारा आईसी है। तो इस तरह से आईसी में चेंज और आईबी में चेंज के रेशियो को कहा जाता है बीटा एसी, दिस इज इक्वेशन सेकंड। देन सेकंड वन जो हमने कैलकुलेट किया है वो है रेसिस्टेंस गेन, प्रतिरोध लाभ, रेसिस्टेंस गेन, रेसिस्टेंस गेन्स को हम डिनोट करते हैं किससे ए आर से, और इसे डिनोट किया जाता है किससे बीटा से। बीटा भले हमने यहाँ पे दो चीजें ली हैं डीसी और एसी, लेकिन करंट गेन जो है वो कॉमन एमिटर मोड में ये क्या होता है बीटा से डिनोट किया जाता है। एंड सेकेंड रेसिस्टेंस गेन इज डिनोटेड बाय एआर, एंड एआर इक्वल्स टू होता है आउटपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस अपॉन इनपुट रेसिस्टेंस, इनपुट रेसिस्टेंस। तो इस तरह से एआर इक्वल्स टू आउटपुट रेसिस्टेंस को हम आर ओ से डिनोट करते हैं और इनपुट रेसिस्टेंस हमारा आता है आर आई, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन थर्ड। और ये जो इक्वेशन आया है इसे ही हम क्या कहते हैं रेसिस्टेंस गेन या प्रतिरोध लाभ। अगला जो है हमारा थर्ड पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया है वो है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एबी एम्पलीफाइड वोल्टेज गेन, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ए बी इक्वल्स टू हम जानते हैं बी ओ अपॉन में बी आई, और ये इक्वल होता है बी ओ इक्वल्स टू डेल बी सी ई, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज डिनोटेड बाई वी बी ई। वी सी ई को हम लिख सकते हैं डेल
आई सी इंटू आर ओ, और इसे हम लिख सकते हैं डेल आई बी इंटू आर आई। अब ये चीजें बन जाती है डेल आई सी अपॉन आई बी इज नोन एज बीटा ए सी इंटू आर ओ अपॉन आर आई इज डिनोटेड बाई ए आर रेसिस्टेंस गेन। अब ये जो इक्वेशन आता है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बीटा ए सी इंटू ए आर इज नोन एज इक्वेशन फोर, ये हमारा बन जाता है वोल्टेज गेन। एंड फोर्थ हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमारे पास है पावर गेन। पावर गेन इज शक्ति गुणांक, पावर गेन इट इज डिनोटेड बाई ए पी, और ए पी हमने निकालने के लिए लिया हुआ है चेंज इन आउटपुट पावर, निर्गत शक्ति में परिवर्तन, एंड चेंज इन इनपुट पावर, निवेशी शक्ति में परिवर्तन, और इसे हमने डिनोट किया है डेल आई सी स्क्वायर इंटू आर ओ, और इसे हमने डिनोट किया था डेल आई बी स्क्वायर इंटू आर आई, और इस तरह से ये हमारा बन जाता है डेल आई सी अपॉन में डेल आई बी होल स्क्वायर इंटू आर ओ अपॉन में आर आई। इन दिस वे डेल आई सी अपॉन डेल आई बी को हम कहते हैं बीटा ए सी, जिसे कहते हैं करंट गेन। सो ए पी इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर ए सी इंटू आर ओ अपॉन आर आई इज नोन एज ए आर, इक्वेशन लेते हैं हम इसे फाइव, और यही इक्वेशन हमारा कहलाता है शक्ति गुणांक। इस तरह से हमने वोल्टेज गेन, करंट गेन, रेसिस्टेंस गेन्स एंड पावर गेन के बारे में पढ़ा है सी ई मोड में, कॉमन एमिटर मोड में। जब हम ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं तो हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के लाभ के बारे में पढ़ा। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा में संबंध बताइए। तो बीटा तो आपको मालूम है कि बीटा को करंट गेन कहा जाता है, और वो भी किस में, सी ई मोड में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम बीटा को करंट गेन के नाम से जानते हैं। लेकिन अल्फा और गामा क्या है, तो हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है, संबंध स्थापित करना है अल्फा बीटा और गामा में, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में गामा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन करंट्स गेन, अल्फा बीटा एंड गामा। जैसा अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया हुआ था, इस तरह से हमने एक डायग्राम लिया हुआ है। ये जो हमारा डायग्राम है हम इसे लेते हैं सी ई मोड में। दिस इज एन पी एन ट्रांजिस्टर, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। सो एमिटर करंट इज आई, बेस करंट इज आई बी एंड कलेक्टर करंट इज आई सी। ये कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर में एमिटर, बेस और कलेक्टर दोनों के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो है वो हमारा इनपुट करंट होगा, आई बी बेस करंट इज इनपुट करंट एंड आई सी इज आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट इज आउटपुट करंट, निर्गत धारा एंड निवेशी धारा। निवेशी धारा आधार धारा को कहा जाता है, और निर्गत धारा जो है वो संग्राहक धारा को कहा जाता है। तो इस तरह से जो धारा लाभ हमने निकाला था बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू हमारे पास आया था डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। अगर हम बात करें कॉमन बेस मोड पे, कॉमन बेस में बेस जो है वो एमिटर के साथ भी कनेक्ट होता है, और ये देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने बनाया हुआ है, दिस इज एमिटर, दिस वन इज कलेक्टर एंड दिस वन इज डिनोटेड बाय बेस। तो बेस जो है वो दोनों के साथ कॉमन है, एमिटर के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी। तो जो इनपुट करंट होगा इज डिनोटेड बाय आई ई, एमिटर करंट जो है वो हमारा इनपुट करंट है, और जो आउटपुट करंट है वो हमारा क्या है, आई सी। तो इस तरह से जैसे कॉमन एमिटर मोड में धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित किया जाता है, उसी तरह सी बी मोड में, दिस इज सी ई मोड एंड दिस वन इज सी बी मोड। तो सी बी मोड में जो धारा लाभ है उसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, और अल्फा बराबर होगा आउटपुट करंट में चेंज और इनपुट करंट में चेंज। आउटपुट करंट हमारा क्या है, आई सी, सो डेल आई सी। एंड इनपुट करंट क्या है, क्योंकि ये सी बी मोड है, सी बी मोड में बेस जो है वो कॉमन हो जाता है, जैसे एमिटर क्या था, कॉमन था। तो यहाँ पे जो इनपुट करंट होगा वो होगा हमारे पास डेल आई ई। अगर हम बात करें कॉमन कलेक्टर मोड की, तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर बना रहे हैं जिसमें कलेक्टर जो है वो कॉमन है, दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर एंड दिस वन इज बेस, बेस कलेक्टर एंड दिस वन इज एमिटर। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे
कलेक्टर जो है वो एमिटर के साथ भी जुड़ा होता है और कलेक्टर जो है वो बेस के साथ भी जुड़ा होता है, और इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को या इस तरह के विधा को हम कहते हैं उभयनिष्ठ संग्राहक विधा या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सब दोनों में कॉमन हो गया, बेस के साथ भी और एमिटर के साथ भी। तब होगा क्या, बेस करंट जो होगा उसे हम डिनोट करेंगे आई वी से और जो एमिटर करंट होगा उसे हम डिनोट करेंगे आई ई से। जैसे सीई मोड में करंट गेन को बीटा से डिनोट किया जाता था और बीटा इक्वल्स टू डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, और सीबी मोड में अल्फा को हम करंट गेन कहते हैं और डेल आई सी अपॉन डेल आई इसकी वैल्यू होती है। और उसी तरह से जो सीसी मोड होता है, कॉमन कलेक्टर मोड होता है, उसमें जो करंट गेन होगा उसे हम गामा से डिनोट करते हैं और गामा बराबर होता है चेंज इन आउटपुट करंट। आउटपुट करंट, दिस वन इज आउटपुट करंट, सो एमिटर करंट इज आउटपुट करंट, चेंज इन एमिटर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, बेस करंट इज इनपुट करंट, ये हमारा क्या इनपुट करंट है और ये आपका क्या है आउटपुट करंट। तो इस तरह से कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर मोड में डेल आई ई और डेल आई बी का जो रेशियो है उसे हम कहते हैं गामा, और गामा को जाना जाता है धारा लाभ से। तो इस तरह हमने देखा है कि अल्फा जो है ये करंट गेन है सीबी मोड में, बीटा जो है ये भी करंट गेन है लेकिन ये सीई मोड में है, और गामा जो है ये भी करंट गेन है और ये सीसी मोड में है। अब हमें देखना है करंट गेन अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, अभी हमने यहाँ पे लिया है बेस, तो अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, जब हमने कॉमन बेस लिया था तो जो एमिटर करंट था वो हमारा इनपुट करंट था आई ई डेल आई ई, और ये जो हमने लिया है वो डेल आई सी। सो डेल आई सी अपॉन डेल आई ई इज नोन एज अल्फा इन सीबी मोड, सीबी मोड में अल्फा इक्वल्स टू इतना। और जब हमने बीटा की वैल्यू ली है तो बीटा इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, बीटा जो है वो सीई मोड में है, सो डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। एंड अभी हमने कैलकुलेट किया गामा, गामा इक्वल्स टू हमारे पास आता है डेल आई ई अपॉन डेल आई बी। ये तीन इक्वेशन हमारे पास है, इन तीनों इक्वेशन का हमें यूज करना है। जब हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं तो ट्रांजिस्टर का यूज़ करते समय जो ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं एमिटर बेस एंड कलेक्टर, तीनों में फ्लो होने वाला जो करंट है आई ई आई बी और आई सी, इन तीनों में जो हमने रिलेशन निकाला था अकॉर्डिंग टू के सी एल किरचॉफ के प्रथम नियम से हमने क्या निकाला था, हम सभी जानते हैं आई ई एमिटर करंट इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 4, और वी कैन से इक्वेशन 1 ले लेते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं। इस इक्वेशन को आप अलग कर लीजिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, ये तीनों ही विधाओं में धारा लाभ के व्यंजक है। सीबी मोड में हमने जो लिया है ये अल्फा है करंट गेन, सीई मोड में जो हमने करंट गेन लिया उसे डिनोट करते हैं बीटा से, और जो सीसी मोड है उसमें हमने करंट गेन को डिनोट किया है इससे गामा से। इसका अभी हमें यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू के सी एल आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इसमें क्या करें, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल आई ई इक्वल्स टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी। लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 2, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2। और इस तरह से डेल आई ई से अगर यदि हम क्या करें, डेल आई ई से हम इसे डिवाइड कर दें, डेल आई ई से दोनों पक्षों को भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, किसे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को, डेल ई ई से इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 के दोनों पक्षों में भाग देने पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल आई ई इन इक्वेशन सेकेंड, क्या मिलेगा हमें, डेल आई ई अपॉन डेल आई ई इक्वल्स टू, यहाँ भी हम डिवाइड कर रहे हैं, डेल आई बी अपॉन डेल आई ई प्लस डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। अब यहाँ से देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ हमें मिल गया 1। डेल आई बी अपॉन आई ई, क्या कहीं हमने पढ़ा है आई बी अपॉन में आई ई,
देखिए इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या है, आई बी अपॉन आई ई है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड है वहाँ पे आई ई अपॉन आई बी उसे हम कहते हैं गामा। अगर हम इसे रिवर्स कर दें, पलट दें, डेल आई बी ऊपर और डेल आई ई नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन गामा। तो इसे हम लिख रहे हैं वन अपॉन गामा प्लस डेल आई सी प्लस डेल आई ई। यहाँ से देखिए डेल आई सी प्लस डेल आई ई, ये हमारा क्या बन गया, अल्फा इन सी बी मोड, करेंट गेन इन सी बी मोड। अगर हम यहाँ से अल्फा को क्या करें, ट्रांसफर कर दें, तो अल्फा को ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन गामा इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा। देखिए ये हमने यहाँ पे क्या किया, वन अपॉन गामा, अल्फा को हमने ट्रांसफर कर दिया, देन वन अपॉन गामा इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा। तो इस तरह से वन अपॉन गामा इक्वल्स टू हमारे पास वन माइनस अल्फा है। हम देखिए तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम वन रख सकते हैं। अगर हम इसे पलट दें, अगर वन अपॉन गामा को हम क्या कर दें, गामा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारे पास, वन अपॉन वन माइनस अल्फा। देखिए फिर से एक बार, यहाँ हमने वन अपॉन गामा जो लिखा हुआ है उसे हमने पलट दिया। जब हमने वन अपॉन गामा को पलट दिया तो ये हमारे पास गामा हो गया, और ये जो वन माइनस अल्फा है ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फा। दिस इज रिलेशन बिटवीन, इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड, एंड दिस इज इक्वेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। ये गामा और अल्फा में संबंध है, ये दोनों ही धारा लाभ है, ये सीसी मोड में धारा लाभ है और ये सीबी मोड में धारा लाभ है, और अल्फा और गामा में ये क्या है, अभिष्ट संबंध है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अब हम बात करते हैं यदि, जो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड था, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने क्या लिया है, डेल आई ई इक्वल्स टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है। अगर इस इक्वेशन को अभी हमने किससे डिवाइड किया था, आई ई से, अगर हम इसे दोनों पक्षों को, समीकरण दो के दोनों पक्षों को डेल आई बी से डिवाइड कर दें, समीकरण दो में डेल आई बी का भाग देने पर, चलिए दोनों साइड में, दोनों ही पक्ष में एलएचएस एंड आरएचएस दोनों में ही हमें क्या करना है, डेल आई बी से भाग देना है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा डेल आई ई अपॉन डेल आई बी इक्वल्स टू डेल आई बी अपॉन डेल आई बी प्लस डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। यहाँ से देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया हमारे पास, डेल आई बी जो है वो कैंसिल हो गया, लेकिन आई ई अपॉन आई बी ये क्या है, ये करंट गेन है, लेकिन कौन से मोड पे, सीसी मोड पे, कॉमन कलेक्टर मोड पे जो करंट गेन होता है उसे हम डिनोट करते हैं गामा से, एंड गामा इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल आई ई अपॉन डेल आई बी। तो इस तरह से ये हमें मिलेगा डेल आई ई अपॉन डेल आई बी विच इज इक्वल्स टू वन प्लस डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। इस तरह से डेल आई ई और डेल आई बी ये हमारा बन जाता है गामा इक्वल्स टू वन प्लस, ये कौन सा करेंट गेन है, डेल आई सी अपॉन में हमने लिया है डेल आई बी, सो डेल आई सी अपॉन डेल आई बी जो हमने लिया है ये है बीटा। बीटा कौन से मोड पे, कॉमन एमिटर मोड पे, तो ये हमने ले लिया बीटा। सो गामा इक्वल्स टू वन प्लस बीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा। बीटा इज करेंट गेन इन सीई मोड, सीई मोड में जो बीटा है वो करंट गेन है, धारा लाभ है, और गामा जो है वो सीसी मोड पे है। सो दिस इज इक्वेशन फोर, और यही क्या है, गामा और बीटा में संबंध है। इससे पहले जो इक्वेशन थर्ड था वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, गामा और अल्फा में संबंध को, और अभी जो हमने इक्वेशन फोर लिया है ये किसमें रिलेशन प्रदर्शित कर रहा है, गामा एंड बीटा में। अगर जैसे हमने इक्वेशन टू को एक बार आई ई से हमने डिवाइड किया, फिर हमने आई बी से डिवाइड किया, अब कौन सा बच गया है इक्वेशन टू में, देखिए आई सी। चलिए अब हम इसे आई सी से डिवाइड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू आई ई इट मीन्स डेल आई ई इक्वल्स टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी, डिवाइडिंग बोथ साइड
बोथ साइड्स बाय डेल आई सी, डेल आई सी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जैसे हमने आई ई से डिवाइड किया था दोनों साइड पे, आई बी से डिवाइड किया है, उसी तरह से हमें यहाँ पे अब डेल आई सी से डिवाइड करना है। तो ये हमें मिलेगा डेल आई ई अपॉन डेल आई सी विच इज इक्वल्स टू डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस डेल आई सी अपॉन डेल आई सी। ये दोनों कैंसिल हो गया और इस तरह से हमारे पास क्या बच गया, डेल आई ई अपॉन डेल आई सी इक्वल्स टू डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस वन। तो इस तरह से डेल आई ई अपॉन डेल आई सी, इसे हम जानते हैं किससे, डेल आई ई अपॉन डेल आई सी जो है वो क्या है हमारे पास, वन अपॉन अल्फा। देखिए अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास होता है डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। तो ये अपोजिट हो गया, आई ई ऊपर और आई सी नीचे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वन अपॉन अल्फा। तो हम इसे लिखते हैं वन अपॉन अल्फा विच इज इक्वल्स टू डेल आई बी अपॉन डेल आई सी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं डेल आई सी अपॉन में होता है डेल आई बी। अब इसका आप रिवर्स कर दीजिए, डेल आई बी ऊपर और डेल आई सी नीचे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन में बीटा और प्लस हम क्या कर देते हैं, वन। तो इस तरह से अगर हम प्लस वन को इधर पक्षांतर कर दें, सो वन अपॉन अल्फा माइनस वन इक्वल्स टू वी गेट वन अपॉन बीटा। इसे सॉल्व करने पे ये हमें क्या मिलेगा, वन माइनस अल्फा, क्योंकि इसके अपॉन में भी वन, और ये आपका आ जाएगा वन माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इक्वल्स टू वन अपॉन में बीटा। अगर हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो वन अपॉन बीटा है ना, अगर हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने बस अरेंज करके लिखा, ये राइट साइड पे था मैंने उसे लेफ्ट साइड पे रखा है अरेंज करके, सो वन अपॉन बीटा को हमने पलट दिया, बीटा अपॉन वन। तो वन को लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया, बीटा लिख दिया, और बीटा इक्वल्स टू हमें जब हमने इसे रिवर्स कर दिया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, अल्फा अपॉन में वन माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन फाइव। ये जो इक्वेशन फाइव है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सीई मोड पढ़ा है और सीबी मोड पढ़ा है, ये हमारे सिलेबस में भी है। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में कहा जाता है कि अल्फा और बीटा में रिलेशन बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमने तीन रिलेशन देखे यहाँ पे, अल्फा और गामा में रिलेशन, गामा और बीटा में रिलेशन, और लास्ट जो इक्वेशन है हमारा ये बीटा और अल्फा में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा आज पढ़ा है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।